पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे, और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ, बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है ये, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब, बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है। हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारें। ये पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा, ना सिर्फ खुद जीतेगा बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है, बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए, इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ़ करना। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है, क्या हो गया लोगों को? किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा? लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियाँ उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ, जान सूखी हुई है, मजाक नहीं है। इस टाइम ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो, सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता तो मैं आप लोगों से कहता, चलो उठो वीरों सैनिकों लड़ो, लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो, जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ। मैं फिर आऊंगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाड़ी बने हो या बेवकूफ बने हो। घर पे रहो, धन्यवाद।